पिंजौर शहर के प्रेस क्लब में आज विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कालका और पिंजौर के पत्रकारों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस बैठक की अध्यक्षता श्याम कौशल, रिटायर्ड एडवोकेट जनरल पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट द्वारा की गई। बैठक में राष्ट्रीय प्रेस क्लब का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से हरभजन सैनी, प्रधान ललित धीमान, चेयरमैन चरण सिंह, उप प्रधान कमलेश्वर चतुर्वेदी, महासचिव विवेक मरवा, सचिव हरपाल सिंह, सचिव पुनीत भास्कर को कोषाध्यक्ष, अख्तर फारूकी संगठन सचिव नंदकिशोर सैनी, मुख्य सलाहकार सुनील गुप्ता, प्रेस प्रवक्ता अजीत सिंह सलाहकार, पवन कुमार सलाहकार, आशीष कुमार व सितार चंद्र को कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किया गया। वहीं इस बैठक में एडवोकेट विकास अग्रवाल, एडवोकेट प्रवेश, एडवोकेट राणा राजकुमार गौरी को कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया। इस बैठक के दौरान चेयरमैन ललित व प्रधान हरभजन सैनी ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रेस क्लब का एकमात्र उद्देश्य पत्रकारों को सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदान कराना है और आज के समय में पत्रकारों को टोल प्लाजा व अन्य समस्याओं से जूझना पड़ रहा है और प्रेस क्लब का यह प्रयास रहेगा कि पत्रकारों के हितों के लिए कार्य करवाए जाएं। और नए गठित प्रेस क्लब का ये सभी पत्रकारों का आभार प्रकट किया और बेहतर भविष्य की कामना भी की। आज पिंजौर कालका शहर के पत्रकारों के साथ आज राष्ट्रीय एकता प्रेस क्लब का गठन हुआ है और इस गठन के ऊपर मैं सभी पत्रकार भाइयों को और अपने क्षेत्रवासियों को यह उम्मीद दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह की जिम्मेवारी आप हमारे ऊपर सौंपेंगे, हम उसको बखूबी निभाएंगे और आने वाले समय में देश हित के लिए और प्रदेश हित के लिए जो भी हमारी कार्यकारिणी से काम होगा, हम उसको बढ़ चढ़ कर जरूर पूरा करेंगे। धन्यवाद। क्षेत्रवासियों को नमस्कार। मैं कमलेश्वर चतुर्वेदी, महासचिव राष्ट्रीय एकता प्रेस क्लब, जो कि आज 4 मार्च 2019 को इसका गठन किया गया है, जिसमें कार्यकारिणी के सदस्य प्रधान उप प्रधान चुनाव किया गया है, जिसमें प्रधान की सेवा हरभजन सिंह सैनी को दी गई है, चेयरमैन ललित धीमान जी, उप प्रधान चरण सिंह, सचिव विवेक मरवाहा, सचिव हरपाल सिंह, कोषाध्यक्ष पुनीत भास्कर, प्रेस प्रवक्ता सुनील गुप्ता, संगठन सचिव अख्तर फारूकी, मुख्य सलाहकार नंद किशोर सैनी, सलाहकार अजीत कुमार धीमान, सलाहकार पवन कुमार, कार्यकारिणी सदस्य आशीष, कानूनी सलाहकार राजकुमार गौरी, सर्वेश राणा कानूनी सलाहकार, कानूनी सलाहकार विकास अग्रवाल, ये तीन हमारे कानूनी सलाहकार रहेंगे और आज सभी की सर्वसम्मति से ये चुनाव किया गया है और सभी के सदस्यों को ये सेवा ड्यूटी दी गई है कि वो पिंजौर कालका में बड़ी ही ईमानदारी से अपने प्रेस क्लब का प्रयोग करेंगे, इसमें सेवाएं देंगे और सभी पत्रकार जो हैं बिल्कुल सच्ची घटनाओं पे, सच्ची बातों पे और सच को उजागर करने की कोशिश करेंगे। यही मेरा इनसे निवेदन है और हमारे क्लब की भी यही राय भी है और हमारे क्लब की ये एकता भी है। चंडीगढ़ से आज प्रकाश न्यूज़ के लिए मनदीप गौतम की रिपोर्ट।